पुरी पीठाधीश्वर स्वामी निष्कलानंद सरस्वती राष्ट्रोत्कर्ष अभियान के तहत 3 दिवसीय प्रवास पर कवर्धा के रणवीरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल धर्म सभा को संबोधित किया। वहां मौजूद 15,000 से ज्यादा की संख्या में मौजूद धर्म प्रेमियों ने स्वामी निष्कलानंद का प्रवचन भी सुना। इस दौरान स्वामी निष्कलानंद ने सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान आदि का महत्व बताया। जी, आज सुबह से ही स्वामी जी के दर्शन के लिए लगातार हमारे क्षेत्रवासी ग्रामवासी सुबह से ही आ रहे हैं, और स्वामी जी की जो धर्म सभा थी, बहुत ही मुझे लगता है कि वो सभी के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन था। काफी सारी चीजें हमें, जो भारत को विश्वगुरु बनाने की हम बात करते हैं, राष्ट्र उत्कर्ष की जो बात करते हैं, उस दिशा में स्वामी जी का जो मार्गदर्शन है, निश्चित ही मुझे लगता है कवर्धा वासियों के साथ साथ समस्त छत्तीसगढ़ और समूचे भारत के लिए बहुत बड़ा वो संदेश था। कल सुबह दीक्षा संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है। गुरुदेव कल जो भी दीक्षा लेना चाहते हैं गुरुदेव से, वो सबका बिल्कुल स्वागत है। हम लोगों ने प्रयास किया कि संख्यात्मक आंकड़े हम एकत्रित करें जिससे कोई असुविधा न हो, तो कल दीक्षा संगोष्ठी का भी कार्यक्रम। लंबे समय बाद महाराज का लंबे अंतराल के बाद कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ऐसे में कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितना जो है श्रद्धालु में? देखिए, उत्साह तो बिल्कुल देखते बन रहा है। जिस तरीके से उपस्थिति आज की थी, कल कलश यात्रा में हमने जो अनेक अनुमान लगाया था, उससे मुझे लगता है 3 गुना अधिक संख्या थी। तो 7 वर्षों के बाद चूंकि गुरुदेव का कबीरधाम जिला में, धर्मनगरी कवर्धा में आगमन हो रहा है, तो उत्साह तो देखते ही बन रहा है। और वैसे भी हमारे जो स्वामी जगद्गुरु शंकराचार्य जी, हमारे स्वामी कर्पात्री जी की बहुत प्रिय शिष्य भी माने जाते हैं, तो हम सभी उनका जो उत्साह है ग्रामवासियों को देखते बनता है। स्वामी जी के अलावा कौन कौन महाराज जी शामिल हुए धर्मसभा में? जी, आज के हमारे संत राजीव रोशन दास जी शामिल हुए थे, बालक दास जी, महात्यागी जी, गुरुदेव यहाँ पे सम्मिलित हुए थे, और समस्त जो हमारे संत हैं जो कबीरधाम जिले में, कवर्धा जिले में जो निवासरत हैं, उनकी उपस्थिति भी काफी अच्छी।